नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद जिला मत्स्य विभाग द्वारा जिले में स्थापित झींगा मछली यूनिटों में अधिकारियों द्वारा मछली पालक किसानों के साथ मिलकर बड़े स्तर पर फर्जी बिलों के माध्यम से घपला किए जाने का मामला सामने आया है। मामला तब उजागर हुआ जब खेड़ी बरकी निवासी एक ग्रामीण ने सीआईडी विभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर इस संबंध में शिकायत की, जिसके बाद सीआईडी टीम द्वारा जांच की गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने सीएम फ्लाइंग हिसार के एसआई की शिकायत पर विभाग के तत्कालीन जिला उपनिदेशक फिशरी ऑफिसर जय के अलावा करीब डेढ़ दर्जन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में धारा 420, 467, 120 बी के तहत मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता के अनुसार जिले में विभाग ने झींगा मछली की 17 यूनिट लगाई हुई हैं, जिसमें उक्त अधिकारियों द्वारा फर्जी बिलों पर सब्सिडी जारी कर दी गई। कुछ किसानों ने फर्जी बिलों की प्रतियां दी हुई हैं जो आरटीआई के माध्यम से प्राप्त हुई। शिकायतकर्ता के अनुसार तालाब ही नहीं बनाए गए और विभाग ने सब्सिडी जारी कर दी, जिसकी शिकायत सीएम विंडो और विजिलेंस को करने पर भी कार्रवाई नहीं की गई। रिपोर्ट के अनुसार शिकायत के आधार पर की गई प्रारंभिक जांच में पाया गया कि झींगा मछली यूनिट के लिए दिए गए बिलों में दर्शाए गए सभी उपकरण मौके पर नहीं मिले। सभी यूनिटों में मछली पालकों द्वारा पेश किए गए बिलों की जांच की गई तो मछली पालकों के अधिकतर जनरेटर व अन्य उपकरणों के बिल फर्जी पाए गए। पुलिस ने मत्स्य विभाग के एक अधिकारियों सहित 18 मछली पालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। देखते रहिए पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। ये मामला है सन 2018-19 का है। मत्स्य विभाग ने अपने लाभार्थी जो इनके मत्स्य विभाग के ठेके लेते हैं उनसे मिली भगत करके फर्जी बिल तैयार करके और सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाया। इस संबंध में कंप्लेंट सीएम फ्लाइंग स्क्वाड को गई थी, उन्होंने इसकी इंक्वायरी की है, उसी आधार पर यह अभियोग अंकित होया। तो किन किन पर मामला दर्ज है सर? ये मत्स्य विभाग के डिप्टी डायरेक्टर है, जेई है और अन्य कर्मचारी है और कुछ 15 जो है लाभार्थी है। तो टोटल कितने इन्वॉल्व है सर इसके अंदर? टोटल अफसरों समेत और 18 आदमी इन्वॉल्व है। तो आपकी तरफ से ये कल पर्चा दर्ज हुआ है, अभी क्या कर रहे हैं? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, आगे हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान जैसे भी हालात होंगे नियमानुसार कार्रवाई। अरे वो क्या लगे सर इसमें, किस तरह से घोटाला किया इन्होंने? ये इन्होंने फर्जी बिल तैयार किए हैं और विभाग से चुना लगाए। हाँ जी, हाँ जी, जांच की जाएगी फिर इसमें। अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन चलेगी, अभियोग दर्ज हो गया, इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जैसे भी सबूत आएंगे उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।